त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंगलवार की देर शाम रामगढ़ताल पुलिस ने अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया, जिसके संबंध में सीओ कैन सुमित शुक्ला ने बताया कि धनतेरस दीपावली पर्व को देखते हुए महानगर में वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लुटेरे, टप्पेबाज, चैन स्नेचर और रेसर बाइक गैंग पर गहनता से नजर रखी जा रही है। सीओ कैन ने कहा कि इस अभियान के तहत जिन व्यक्तियों के गाड़ियों के कागज मौके पर नहीं पाए जा रहे हैं उनके गाड़ियों का चालान एवं कुछ गाड़ियों को सीज करके कार्रवाई की जा रही है। सीओ कैंट ने बताया कि चेकिंग अभियान दीपावली पर्व के संपन्न होने तक चलता रहेगा। इस अवसर पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह, कांस्टेबल आशिफ सहित पुलिस टीम मौजूद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, दीपावली और धनतेरस के त्यौहार के मद्देनज़र एसएसपी सर के निर्देशन में पूरे शहर में वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जितने भी टप्पेबाज लुटेरे इन पर खास नज़र रखी जा रही है कि ताकि इस समय महिलाएं और बच्चे काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं, इनके साथ किसी प्रकार की अपनी घटना ना घटित हो सके और सभी लोग दीपावली का त्यौहार सकुशल हंसी पूर्वक मना सकें। सर, वाहन चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति अभी तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी वाहन चेकिंग में ऐसे लोग जो गाड़ी कागज लेकर नहीं चल रहे हैं, रेसर गाड़ी लेकर चल रहे हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनकी गाड़ियों का चालान भी हो रहा है, कुछ गाड़ियां सीज भी हो रही हैं, बाकी कुछ अगर बाद में कागज़ दिखा देते तो ऐसे लोगों को कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस का यही नज़रिया है कि कोई भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटित हो सके और जितने भी अराजक तत्व हैं उन पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जा सके। सर,